सो अगर आप भी बहुत टाइम से गुरिल्ला पॉड को ढूंढ रहे हो अपने स्मार्टफोन के लिए और अपने कैमरा के लिए व्लॉगिंग वीडियोस को शूट करने के लिए, तो भाई वो यहाँ पे है। सो ये बहुत ही कमाल का एकदम स्ट्रॉन्ग, जिसे आप अपने कैमरा के साथ और अपने स्मार्टफोन के साथ यूज़ कर सकते हो, और इसका नाम है एडियोफेस करके है, ठीक है, ADOFYS यहाँ पे लिखा गया है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, स्पेशली मैंने खुद अपने लिए है, और मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए इसके बारे में। अगर किसी ने गुरिल्ला पॉड लेना है अपने कैमरा के लिए, अपने स्मार्टफोन के लिए, वो भी बिल्कुल बजट में, तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। सो अगर आप अपने ब्लॉगिंग वीडियोस को अच्छा बनाना चाहते हो अपने गुरिल्ला पॉड को यूज़ करके, तो भाई ये बेस्ट इन क्लास गुरिल्ला पॉड है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। सारी की सारी आपको डिटेल दूंगा इसके बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं स्टार्ट। सो ये रहा हमारा गुरिल्ला पॉड, और यहाँ पे इसका नाम लिखा गया है एडोफेस करके, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा गया है सॉफ्ट एंड इलास्टिक और बेंट इजीली, मतलब कि अच्छे तरीके से आप इसको बेंड वगैरह करके अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके वीडियोस को शूट कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये मैक्स लोड कितना उठा सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है 3 kg, मतलब कि आप 3 kg तक अपनी आइटम को इसके ऊपर रख के, कैमरा को, स्मार्टफोन को ईजिली इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं बाहर, और यहाँ पे है भाई हमारे पास ये गुरिल्ला पॉड, और अंदर भी भाई कुछ है हमारे पास। कुछ कह रहा है कि हमें भी बाहर निकाल लो, तो ये देखो ये है इसका होल्डर, ठीक है। पर एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको माइक वगैरह लगाना ना होल्डर के ऊपर, तो उसका लिंक, वो अलग से आपको होल्डर लेना पड़ता है, वो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसकी वजह से आपका शॉटगन माइक इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। सब कुछ समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले इसके बॉक्स को हम साइड पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम गुरिल्ला पॉड को बाहर निकालते हैं। सो भाई ये रहा हमारा ताज़ा ताज़ा नया नया गुरिल्ला पॉड, और यार बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है यार इसकी, मतलब कि इसमें ना एक चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से मैंने इस गुरिल्ला पॉड को बाय किया। सबसे पहले तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा, मतलब कि मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है। जब आप इसको हाथ में पकड़ोगे ना, तब आपको फील होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इसकी बिल्ड बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। तो इसको हम साइड पर रखते हैं, और ये मोबाइल होल्डर है, और इसको भी हम निकालते हैं बाहर। सो ये हमारा बेसिक सा जो सा होता है ना होल्डर, वो है। सो दोस्तों सबसे पहले जो इसको बाय करने का रीज़न आता है, वो आता है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे बॉल हेड देखने को मिल जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अगर इस स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करता हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपने फ़ोन के, अपने कैमरे को किसी भी एंगल में रख के वीडियो को शूट कर सकता हूँ, और ये हर एक एंगल में मूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हमें अपना फ़ोन या कैमरा किस एंगल में रख के वीडियो को शूट करना है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ये मतलब कि यहाँ से निकलेगा नहीं। अगर आपका काफ़ी हैवी कैमरा है, मतलब कि 3 kg के आसपास आपका कैमरा है या फ़ोन है, आजकल फ़ोन्स भी थोड़े हैवी आ जाते हैं कई बार, तो उसको ये ईजिली हैंडल कर लेगा। और यहाँ पर आप इसके स्क्रू को टाइट करके इसको फिक्स कर सकते हो। पर सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने होल्डर को लगाता हूँ। सो यहाँ पर मेरा होल्डर प्लेस हो चुका है। अब मैं अपने बॉल हेड को किसी भी एंगल में रख के इसको रख सकता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, जैसे मुझे अपना व्लॉग करना होगा, किस एंगल में मुझे अपना फ्रेम सेट करना है, तो वैसे मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपना एंड्रॉयड फ़ोन को लगाते हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन को लेके आते हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो, और यहाँ पर आके मैं इसको टाइट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके हम इसको पूरा का पूरा टाइट कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने इसको पूरा टाइट कर दिया। और ये देखो मैं जितना मर्जी इसको हिला रहा हूँ, तो ये गिरेगा नहीं, और इजीली आप इसको मूव कर सकते हो। अब जैसे कि अगर मुझे आपको दिखाना हो यहाँ पे, तो इसको आप इजीली कुछ इस तरीके से रख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी अच्छा मजबूत है ये, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसकी ये जो टांगे हैं ना, जो लेग्स हैं, ये काफ़ी मजबूत और फ्लेक्सिबल हैं। तो बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो प्राइस आपको भाई पड़ेगा 500 से 600 के आसपास, मतलब कि 500 to 600 के आसपास आपको पड़ जाएगा अमेजोन के ऊपर। सो इसको यूज़ करके आप अपने कैमरा को और स्मार्टफोन को इजीली हैंडल कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा इसके साथ, तब तक के लिए थैंक यू।